एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं। धनबाद के मोहम्मद अली रोड सिटी कॉलोनी बाईपास वासेपुर के युवाओं ने लॉकडाउन के मद्देनज़र गरीबों की मदद के लिए हाथ बटाया। आप देखें इस वीडियो में युवा काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, गरीबों की मदद के लिए किट तैयार किया जा रहा है। इस किट में चावल, आटा, दाल, तेल, सूजी, आलू, प्याज, बिस्किट, मिक्सचर, साबुन आदि सहित कुल 14 सामान हैं। 14 सामानों का किट बनाकर 40 गरीब परिवारों के बीच वितरण किया जाएगा। इन युवाओं द्वारा आसपास के क्षेत्र में 14 सामानों का किट बनाया गया है जो गरीब परिवारों के 40 लोगों को दिया जाएगा जिन्हें चिन्हित किया गया है। काफ़ी अच्छा कदम। राशन किट वितरण सामग्री बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं अहमद निसार, मुश्ताक खान, जहीर खान, मोहम्मद समीम बारी, सैफ खान, रिजवान आलम, प्रिंस खान, आसिफ खान, साजिद अंसारी, छोटू हवारी, सागर अंसारी, आरिफ खान, सारिफ खान, अशफाक खान, सादाब खान, क्याम अंसारी आदि। कॉलोनी के युवाओं ने पिछले रविवार को भी ज़रूरतमंद लोगों को चिन्हित कर राशन मुहैया कराया था। अभिभावक स्वरूप मोहम्मद मुश्ताक खान ने कहा कि गरीबों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की जाती रहेगी। इस मौके पर मौजूद नमन इंडिया के निसार अहमद ने केसीएन टीवी से क्या कहा, आइए सुनते हैं। भूख है भूख, भूख का कोई नाम, मजहब, वतन नहीं होता। मोहम्मद अली रोड सिटी कॉलोनी के युवाओं ने आज 40 गरीब परिवारों के लिए एक किट तैयार किया है जिसमें लगभग 14 आइटम है और ये गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पिछले रविवार को भी परिवारों को, गरीब परिवारों को किट पहुंचाया और इनका उत्साह बना हुआ है और इन्होंने शपथ लिया है कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है तब तक मोहल्ले और आसपास के जो भी गरीब गुरबा हैं उनकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने